अकरम सहगल साहब, ये जो जुडिशियल एक्टिविज्म कहें या कहें ख़ास तौर पर जिंदा हों या पावर में हों तो मुकदमा चले तो ठीक है, अब तो बेचारों के बहुतों के अलावा यकीन भी नहीं है। इसको आप किस तरह देखते हैं, जो मैंने इस फैसले के हवाले से बहुत सारे सवाल उठाए हैं? बरेली साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि ये जो वाकया हुआ है, पहले इसलिए कि जनरल मुशर्रफ जो है वो फौत हो गए पहले, और फौत होने के बाद आपने उनके ऊपर सजाए मौत कर दी, ठीक है। और आपने पहले बड़ा क्लियरली बताया कि और भी लोग थे ऐसे जो जनरल अयूब भी आए थे, लेकिन जनरल अयूब ने, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मार्शल लॉ जनरल अयूब ने नहीं डिक्लेयर किया था। कंदर मिर्ज़ा, सॉरी उसको मैं कहना चाहता हूं, लेकिन पीछे आपको भी इल्म है कि वो तो 1951 से अयूब खान कुछ लोग कहते हैं कि तैयारी कर रहे थे जनरल ग्रेसी की सरपरस्ती में। आप तो खैर माशाल्लाह अथॉरिटी हैं, मैं तो एक तालिब इल्म हूं, फिर भी जरा ऐसे बहरहाल आपका कहना दुरुस्त है। वो अपनी जगह है, मैं उसको चैलेंज भी नहीं करता, मैं उसको रिफ्यूट भी नहीं करता, लेकिन एक फैक्ट करेक्ट कर देता, ठीक है ना। और उसके बाद अगर आप जाएं तो आप मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ले लें, आप चीफ जस्टिस को ले लें, आप रेकोडेक का केस ही देख लें, अभी तो ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है, जिसके अंदर पाकिस्तान को अच्छा खासा ठीक ठाक पैसे देने चाहिए। पाकिस्तान स्टील मिल का केस ले लें, तो डॉक्टर इसकार चौधरी तो जिंदा है, उनके ऊपर भी आप कोई ट्रीजन का केस कर दें, ठीक है जी। तो मैं आपसे ये कहता हूँ, पहले तो मुनासिब नहीं है कि कोई भी पाकिस्तान आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कटहरे में खड़ा हो, ये मैं नहीं एक्सेप्ट करता। ये मैं इसलिए नहीं एक्सेप्ट करता क्योंकि पाकिस्तान आर्मी एक वो इदारा है जो इस मुल्क को एक साथ रखती है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अच्छा हो बुरा हो, ये मैं उसको रिफ्यूट नहीं करता, अच्छे भी आए हैं और बुरे भी आए हैं और एम्बिशियस भी आए हैं वगैरह वगैरह, लेकिन उस वो एक उस इदारे के सरबराह हैं जो आपको मुल्क को इंटैक्ट रखता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, ठीक है जी। आप आज जाएं, अगर आप फौज एक्शन ना करे काउंटर टेररिज्म की या काउंटर इंसर्जेंसी की, तो अफरा तफरी मच जाएगी, यहाँ पर लिबिया की हालत हो जाएगी, यहाँ पर सूडान की हालत हो जाएगी, यहाँ सोमालिया की हालत हो जाएगी, यहाँ पर यमन की हालत हो जाएगी, और मैं इराक और सीरिया और वगैरह वगैरह मैं आपसे बहुत चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो इट्स वेरी वेल थ्योरेटिकली आप बड़ी बातें करें, ठीक है ना। वन थिंग यू मस्ट अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली जी जी, द आर्मी पाकिस्तान इज बिकॉज द आर्मी इज, एंड द आर्मी इज बिकॉज द चीफ आर्मी स्टाफ हैज कंप्लीट अथॉरिटी ऑफ द आर्मी, हूएवर ही इज। आई मे और मे नॉट एग्री विथ हिम, बट आई विल नॉट चैलेंज द चीफ ऑफ, एंड आफ्टर द इफेक्ट। और कौन सी हिपोक्रेसी, मैं आपको आज की एक बात बताता हूँ, आज जो हो रहा है मुल्क के अंदर, ठीक है ना, ये बात ठीक है, चीफ आर्मी अपना तरह से उनकी थिंकिंग है, इकोनॉमी की बुरी हालत है, उनने इकोनॉमी में कुछ फैसले किए हैं और उसकी वजह से कुछ बेहतरी भी हुई है।